कुछ दिनों पहले यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि इंडिया डेवलप्ड टाइज विथ रशिया एज यूएस कुड नॉट डू इट अर्लियर। बेसिकली एंटनी ब्लिंकन ये कहना चाह रही थी कि इंडिया का रिलेशन रशिया के साथ इसलिए अच्छा है क्योंकि यूएस अपना रिलेशन इंडिया के साथ पहले अच्छा कर नहीं पाया था। यूएस पूरी तरह से पाकिस्तान में इंक्लाइंड हो गया था और इंडिया के अगेंस्ट हो गया था, इसी वजह से रशिया के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा हो गया। एंटनी ब्लिंकन की ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर यूएसए के साथ हमारा रिलेशन अच्छा होता तो हम रशिया के साथ दुश्मनी करके बैठ जाते। इंडिया का हमेशा से न्यूट्रल स्टांस रहा है, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंट में इंडिया का स्टांस न्यूट्रल रहा है। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन बनाना बीजेपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट नहीं किया है, यूएस के साथ अच्छे रिलेशन बनाना कांग्रेस गवर्नमेंट ने इनिशिएट कर दिया था 2007 से 2008 के बीच में। देखो, यूएसए का रिलेशन पाकिस्तान के साथ अच्छा था और रशिया का रिलेशन हमारे देश इंडिया के साथ अच्छा था कि अभी भी अच्छा ही है। यूएस पाकिस्तान का अच्छा रिलेशन होने के पीछे रीजन था अफगानिस्तान। यूएस को एक ऐसा कंट्री चाहिए था जो यूएस की बात सुने और यूएस के लिए ये रोल निभाया पाकिस्तान ने। यूएसए हर साल पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता था, सीधा सीधा बोलो तो पाकिस्तान को पैसे देता था, और उन फाइनेंशियल असिस्टेंस के बदले यूएसए पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करता था, एयर फील्ड यूज करता था अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए और अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करने के लिए, और पाकिस्तान से जासूसी भी करवाता था इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। और 1951 से लेकर 2011 तक यूएसए पाकिस्तान को 67 बिलियन डॉलर दे चुका है। देखो, सोवियत यूनियन और इंडिया फ्रेंडली कंट्रीज थी, ये बात सबको पता है, और अमेरिका यानी यूएसए और सोवियत यूनियन एक दूसरे की एनिमीज थी। तो यूएस ने सोचा कि पाकिस्तान है अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, तो पाकिस्तान को हम दोनों कंट्रीज के खिलाफ यूज कर सकते हैं, हम पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान में बॉम्बिंग कर सकते हैं और पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ यूज कर सकते हैं। पर यूएस ये समझ नहीं पा रहा था कि हम पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ यूज करेंगे कैसे। इंडिया तो सोवियत यूनियन जो अब रशिया बन चुका है, इससे एयरक्राफ्ट, सबमरीन, फ्रिगेट, राइफल, गन्स, हेलीकॉप्टर्स ये सब खरीदता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया साउथ एशिया में सबसे पावरफुल कंट्री हो जाएगा, और पाकिस्तान के पास इतना पैसा था नहीं कि वो यूएसए से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद सके। तो यूएसए ने क्या किया कि पाकिस्तान को मिलिट्री एड भी देना स्टार्ट कर दिया कि ये लो पाकिस्तान पैसे, और उन पैसों में थोड़ा अपना पैसा मिला के हमसे सबमरीन, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स ये सब खरीदना स्टार्ट कर दो, और उन मिलिट्री इक्विपमेंट का यूज इंडिया के खिलाफ करना चालू कर दो। ये देखो, इस ग्राफ में जो ऑरेंज और रेड हाईलाइटेड एरिया है, ये एरिया दिखा रहा है कि कितना मिलिट्री एड पाकिस्तान को मिला है यूएसए के द्वारा। और एक और बात, 2014 में पाकिस्तान ने 5.4 बिलियन यूएस डॉलर देके यूएसए से F-16 फाइटर जेट खरीदे थे, पर रियलिटी तो ये है कि इन 5.4 बिलियन यूएस डॉलर में से 60% से ज्यादा मनी यूएसए ने पाकिस्तान को खुद दिया था कि ये लो इतना इतना मिलिट्री एड और इस एड में कुछ अपना मनी ऐड करके हमसे खरीदो। और मैं ये अपने आप से बना के नहीं बोल रहा हूँ कि यूएसए ऐसा करता था, यूएसए के कांग्रेस ने खुद रिपोर्ट रिलीज करी थी कि यूएसए ने इतना इतना मिलिट्री एड पाकिस्तान को दिया है फॉर बाइंग मिलिट्री इक्विपमेंट्स। 2001 से 2014 तक यूएसए पाकिस्तान को 3.6 बिलियन यूएस डॉलर ऐसा मिलिट्री एड दे चुका है। ये सिर्फ मैं मिलिट्री एड की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल एड की नहीं। मिलिट्री एड और फाइनेंशियल एड अलग अलग होते थे, पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड अलग से मिलता था और मिलिट्री एड भी अलग से मिलता था, फाइनेंशियल एड कंट्री चलाने के लिए और मिलिट्री एड मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने के लिए। और जिस साल ये रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान ने 5.4 बिलियन डॉलर का F-16 खरीदा यूएसए से, उसी साल एक और रिपोर्ट आई थी कि पिछले 10 सालों में इंडिया ने 10 बिलियन यूएस डॉलर का मिलिट्री हार्डवेयर खरीदा है यूएसए से, वो भी हाईटेक मिलिट्री हार्डवेयर। तो ऑब्वियसली यूएसए ने एक टाइम को ये सोचा होगा कि इस पाकिस्तान को तो हम मिलिट्री एड प्रोवाइड करते हैं तभी जाके हमसे कुछ खरीदता है, मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदता है, पर इंडिया को तो हम किसी भी टाइप का मिलिट्री एड देते नहीं है, उसके बावजूद भी इंडिया ने पाकिस्तान से डबल अमाउंट में हमसे मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा है, हाईटेक मिलिट्री हार्डवेयर खरीदा है, तो हम पाकिस्तान के चक्कर में क्यों अपना घाटा करवाएं। बेकार में ही पाकिस्तान और रशिया की वजह से इंडिया के साथ रिलेशन खराब करके बैठा हुआ था यूएसए। तो इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से यूएसए ने अपने फॉरेन पॉलिसी में बदलाव किया है, क्योंकि पाकिस्तान से यूएसए को कोई भी फायदा होता नहीं था सिवाय अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करने के, और वैसे भी अब यूएसए की आर्मी अफगानिस्तान में है नहीं, तो अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करने की भी जरूरत है नहीं। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का यूज करके यूएसए ने छोड़ दिया उसे। और इंडिया के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करने के बाद यूएसए को बहुत सारे फायदे हुए हैं। इंडिया ने बहुत ही ह्यूज अमाउंट में यूएसए के कंपनी से, यूएसए के प्राइवेट कंपनी से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदे हैं, मिलिट्री हार्डवेयर खरीदे हैं, और यूएसए को बहुत सारे फील्ड में इंडिया की जरूरत पड़ने लगी है, जैसे मेडिसिन की फील्ड। सब जानते हैं कि फार्मेसी में इंडिया अभी टॉप पे चल रहा है, यूएसए में बहुत सारी मेड इन इंडिया मेडिसिन एक्सपोर्ट होती हैं इंडिया से। मेडिसिन के अलावा अगर स्पेस की बात करें तो इसरो जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, ये अमेरिकन कंपनीज की सैटेलाइट को सस्ते रेट में लॉन्च करती है स्पेस में। 2019 में ही अमेरिकन कंपनीज ने 13 सैटेलाइट इसरो से लॉन्च करवाई थी, एंड ऑफ कोर्स चाइना का एस्पेक्ट भी है, पर उस पर कभी और बात करेंगे।
तो इंडिया के साथ यूएसए के रिलेशन अच्छे रहें, इसी वजह से यूएसए के टॉप ऑफिशियल्स के द्वारा ये सब स्टेटमेंट आ रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।